हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हम अपने कोड कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो विजुअलाइजेशन पे जाते हैं, और हम जैसे कि बताया आपको कि हमेशा मॉड्यूल्स में इंसर्ट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स है तो मैंने इंसर्ट नहीं किया है, पर आप मॉड्यूल इंसर्ट कीजिएगा। और साथ में हमने बताया था कि हम यहाँ पे कोई भी माइक्रो डिफाइन कर सकते हैं, नाम जो भी हो, और नाम डिफाइन करने का क्या होना चाहिए मैंने भी बताया था। और करण तिवारी जी आप रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, मैंने परमिशन दे दिया है। तो अब जैसे कि हमने बताया था कल की क्लास में कि हमारे पास मेन चार ऑब्जेक्ट है, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है वर्क बुक्स, तीसरा है शीट्स, और चौथा है हमारा रेंज, राइट? राइट। तो हम एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ते हैं, अब बताते हैं कि वर्कबुक पे क्या क्या हो सकता है। अभी मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माइक्रो बना के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि कोई नया फाइल क्रिएट करना होगा तो यहाँ लिखेंगे workbooks.add, राइट? जो ऐड हुई है उसको सेव भी करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एक्टिव वर्क बुक, बुक डॉट सेव एज, और यहां पे हम अपना फाइल नेम देंगे कि मुझे कहां सेव करना है। तो मुझे डी ड्राइव के अंदर 2020 फोल्डर के अंदर 123.xlsx के नाम से सेव करना है। लेकिन सेव करने का जो कोड होता है कुछ इस तरह से होता है कि वर्क बुक बुक वन डॉट एक्सएलएस डॉट सेव एज, और फिर यहाँ पे पाथ एंड नेम आप देंगे कि आपको आखिर सेव करना क्या है, राइट? समझ गया? विदाउट तो नहीं इसमें सर? नहीं, आपने जैसे बताया पहला वाला एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज और नीचे वाला वर्कबुक बुक वन, ये दोनों सेम ही है, मतलब किसी तरह से यहाँ पे देखिए वर्कबुक को सेव करने का कोड ए है जो आपके सामने दिख रहा है। ओके, लेकिन क्या होता है कि इसमें आप वर्कबुक का नाम, किस फाइल को सेव करना चाहते हो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, राइट सर? आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमने वर्कबुक ऐड किया तो कौन सा वर्कबुक ऐड हुआ इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, राइट? राइट राइट, सिंपल इशू हो सकता है। कोई आइडिया नहीं है सर ना? जी हाँ सर, कोई नहीं होगा। यहाँ पे हम एक्टिव लेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो फाइल ऐड हुई है वही एक्टिव होगी, जो फाइल ऐड हुई है वही हमारा एक्टिव होगा, ये हमें पता है, इसलिए हमने इसका यूज किया, ठीक है? तो आप फाइल ऐड करते हो और ऐड करने के बाद कुछ करने के बाद आपको सेव करना है और फाइल आपकी एक्टिव है, तो हम यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो फाइल ऐड की, जो फाइल आपने ऐड की और मान लीजिए कोई फाइल एडेड है और आपने बहुत सारा काम किया, आपको पता है कि मेरा डेटा फाइल है, मेरा समरी फाइल है, मेरा डैशबोर्ड है, रिपोर्ट है, आपको फाइल का नाम पता है कि फाइल फिक्स है, तो उस केस में हम यहाँ पे फाइल का नेम देंगे, फाइल का नेम देंगे, राइट? तो
सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, लेकिन आपको पता है कि मुझे फाइल ऐड करने के बाद सेव करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा workbooks.add, ठीक है ना, और यहीं पे कर दूंगा सेव एज, और फिर यहाँ पे हम मैं दे दूंगा पूरा का पूरा फॉर्म, राइट। अब आप ये कि वर्कबुक ओपन हुई और हमें मान लीजिए नया वर्कबुक नहीं चाहिए, हमें अपने फाइल कोई फाइल को ओपन करना है, कहीं पे फाइल पड़ा है मुझे वहां से उसको ओपन करना है, राइट। क्या करें उस केस में, ओपन करने के लिए? हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, ओपन करने के लिए क्या बोल रहे हैं? मैं वर्कबुक ओपन करने की बात कर रहा था कि वर्कबुक्स डॉट ओपन, और ओपन कहाँ से ओपन करना है उसका पाथ। अब यहाँ एक चीज देखिए कि हम यहाँ भी कुछ कर रहे हैं तो नीचे बहुत सारा लाइनिंग आ रही है, ये चीजें है जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे हमने वी लुकअप लगाया, नीचे एक्सप्रेशन आता है क्या क्या डालना है, जी जी, सेम चीज यहाँ पे आता है कि इसमें आपको क्या क्या डालना है। तो जैसे कि आप सेव एज करते समय फाइल का टाइप, फॉर्मेट, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, ऐसे मान लीजिए कि जिस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं उसमें पासवर्ड डाला है, पासवर्ड पे जाना है, तो आप कॉमा प्रेस करें, अपडेट लिंक पे आ गए, रीड ओनली फॉर्मेट पासवर्ड, तो जिसको देना है दीजिए, वरना कॉमा से ब्लैंक छोड़ के आप स्किप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे अपडेट लिंक, रीड ओनली फॉर्मेट, तीनों को मैंने क्या कर तीनों को मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, रीड ओनली या फिर रीड राइट पासवर्ड है तो डाल दीजिए, राइट सर, आपका फाइल ओपन हो गया। अब आपकी फाइल ओपन हुई है तो क्लोज तो होगी, अब आपको फाइल क्लोज करना है, तो फाइल क्लोज करने के लिए आप सिर्फ जो है इस सिर्फ ए ले सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज अब इक्वल टू ट्रू, या फिर आप एक्टिव वर्कबुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्कबुक हैंडल करते हैं तो हम दो चीजें लेते हैं, वर्कबुक या वर्कबुक, वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक। अगर आपको फाइल का नाम पता है तो आपका वर्कबुक वाला प्रोग्राम चलेगा, अगर आपका फाइल पता नहीं है, नहीं पता है कि वो एक्टिवेट है तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं, क्लियर। जी तो फाइल को क्लोज करना आ गया, जी जी, अब फाइल क्लोज हो गई है, अब हम बात करते हैं आगे कि मुझे फाइल को सिर्फ सेव करना है, तो एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक करके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे दो फाइल ओपन कर रखी, बुक वन एंड टेस्ट, मैं टेस्ट पे हूँ तो वो बुक वन पे हम ऑल टैब से जाते हैं या फिर नीचे माउस से जाते हैं? जी ऑल टैब पे माउस, तो उसके लिए लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट, बुक्स में यहाँ पे देना पड़ेगा नाम कि बुक वन डॉट एक्सेल, अब एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तो चलेगा, ओके, यहाँ पे ये आपका एक्टिव हो जाएगा। या फिर एक तरीका और भी है कि आप इसको विंडोज से भी कर सकते हैं कि विंडोज और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं कि वन पहला नंबर, तो सीक्वेंस में जो पहला होगा ना एक्टिव कर देगा, ठीक है सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं क्लियर है। अब मुझे फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ करूंगा वर्क बुक्स या एक्टिव वर्क बुक्स, वो आप डिपेंड करता है सिचुएशन पे, देन यहाँ पे प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्ट दिया कि आपका प्रोटेक्ट हो गया, पासवर्ड डल गए, ये कौन सी पासवर्ड डली,
ये जो आपका रिव्यू के अंदर रिव्यू में जाके जो होता है प्रोटेक्ट, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक एडर, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगर इसमें आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक, बुक नहीं होगा, बुक्स नहीं होगा, बुक होगा सर, डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे 123 आ रहा है। ये आपका ओपनिंग पासवर्ड डलेगा कहाँ से, ए फाइल के अंदर इन्फो के अंदर, फाइल के अंदर इन्फो के अंदर, यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक में एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यहाँ आपका ओपनिंग पासवर्ड डलेगा, राइट सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं, मतलब फर्स्ट वाला जो बताया आपने वर्कशीट में ऊपर रिव्यू में जो होता है वहाँ पे पड़ेगा, और ये सेकंड है आपका जो इन्फो में जाके पड़ेगा, ओपन करेगा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, सही। अब चलिए वापस आते हैं, अब एक क्वेश्चन उठता है मेरे कोड से, कोड में क्या है कि एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे आपका पासवर्ड डला हुआ है, राइट जी, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे पासवर्ड डला। तो हमने इससे पहले किसी भी लाइन में इक्वल यूज नहीं किया, यहां पे इक्वल क्यों यूज किया? जैसे कि हमने बताया था कि ये आपका मान, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका मेंबर होता है, तो मेथड दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टीज, आपने लिंक में देखा होगा जी जी, प्रॉपर्टीज, तो मेथड में हमेशा स्पेस लगता है, प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल लगता है, तो यहाँ पे अगर हम कैसे पहचानेंगे, तो जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये मेथड okay. और ये प्रॉपर्टीज है आपका, ये आपकी जो इस पे हैंड का निशान बना जिसे दिख रहा है प्रॉपर्टीज का है, ये आपके प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला है कि जैसे आप अगर मेथड में स्पेस मारेंगे तो ये आपका नीचे एक्सप्रेशन आता है, प्रॉपर्टीज में नहीं आता है, क्लियर है? प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है सर, क्लियर है? इन्फॉर्मेशन देने वाला, इसे हमने यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए कि F इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, देखा कि फाइल का नेम दे देगा, P इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, तो ए इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है उसके लिए एक लोकेशन चाहिए सेव करने का, मतलब कि जो फाइल नेम है ये आखिर सेव कहाँ करेगा, तो F के ऊपर करेगा, पाथ कहाँ करेगा, तो P के ऊपर करेगा, ठीक है okay. ये देना जरूरी क्या है, F और P क्या है, ये वेरिएबल्स है, मतलब कि जैसे मैथमेटिक्स में आप x लेते हैं ना, वही है मैथमेटिक्स में, जैसे आप x y z लेते हैं तो, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, अब इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है, एफ पी और एफ आ गया, हाँ अगला टॉपिक आता है, कुछ ऐसे पार्ट है जो कि हम इसमें वर्कबुक भी यूज नहीं करते, जैसे वर्क, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ना एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रिंट आउट, प्रिंट आउट में क्या हुआ कि पूरा पेज का प्रिंट होगा, प्रिंट हम एक सीट का निकालते हैं, रेंज का निकालते हैं, हर सीट का प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं सर, ऐसे प्रिंट प्रीव्यू, आप प्रिंट प्रीव्यू से क्या होगा कि आपका प्रीव्यू दिखा देगा, तो ऐसे ये भी करते हैं, तो नॉर्मली फाइल के ऊपर हम इतना ही काम करते हैं। अभी कोड को रन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कोड इकट्ठा रन नहीं होगा, आप एक एक के लिए अलग अलग कोड
रन करेंगे, जैसे कि वर्कबुक ऐड करके सेव करना, तो इसका एक अलग मैक्रो होगा। सेव के जगह पे सेव है जो, इसका अलग मैक्रो होगा। ओपन करते इसका अलग मैक्रो बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे फिलहाल टेस्ट करने के लिए। लेकिन हम मैक्रो यूज करेंगे तो सिचुएशन के हिसाब से इस लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आज आपने सीखा कि वर्कबुक को कैसे हैंडल करते हैं। अब इसकी कोड को एक बार अपनी अपने तरफ से टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे सीट के ऊपर, ठीक है। एक दिन में एक ही को पढ़िए, फिर सीट के ऊपर पढ़ाएंगे अगले दिन में। कोई डाउट या क्वेश्चन है आपके पास? नहीं है ना, ठीक है।